प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, और मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए, जब से लॉकडाउन चला हुआ है तब से रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो बेहद मुश्किल सा हो गया है, और सभी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नई वैकेंसी, नई रिक्रूटमेंट से संबंधित बच ही रही है। वो सोच रही हैं कि इकोनॉमी का सत्यानाश हो रखा है, क्यों ना थोड़ा सा आगे टहला दिया जाए। और जबकि यदि देखा जाए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए बेहद मुश्किल का समय ये है, यानी कि बेहद मुश्किल और बेहद संकट का समय ये है। तो आज बात करते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में पर्टिकुलरली गुरुग्राम के अंदर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान, यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वैकेंसी हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये उसी से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यदि हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये हमारे सामने है 20/5/2020, और ये 2019 की जो स्टैम्प है आप इसको भूल जाएं, ये 2020 आप काउंट करके चलें। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए 2020 और 21 यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एसोसिएट सेंट्रल हेडक्वार्टर हाउस नंबर 140 सेक्टर 31 गुरुग्राम, ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। क्लियर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रण। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा लक्ष्य आधारित सेवा शर्तों के क्रम में भारतीय नागरिकों हेतु साक्षात्कार माध्यमों द्वारा निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करती है, और ये हैं मुख्यतः पोस्ट के बारे में, और ये दे रखे हैं सीरियल नंबर। सबसे पहले जो वैकेंसी का नाम है वो है मुख्य निवेश अधिकारी, और पदों की संख्या यहाँ पे है 36। प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु। यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए एमकॉम, एमबीए, या फिर 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपकी सैलरी दे रखी वो दे रखी 45,000 लमसम, और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे बता रखी है कि 1/8/2020 को अधिकतम आयु आपकी 35 साल होनी चाहिए। और यदि आप बात करेंगे कि फीस कितनी है तो फीस यहाँ पे 0 है, ये बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी है वो है निवेश प्रबंधक की, और ये है 99 वैकेंसी, और ये भी आप बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर या फिर केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो स्टेट्स हों, उन सब के अंदर। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन बीकॉम है, बीबीए है, और 1 साल का अनुभव मांग रखा है। इसमें आपकी 38,000 रुपये सैलरी है, और आयु आपकी 35 साल है, और फीस यहाँ भी 0 है। और यदि बात करें सहायक निवेश प्रबंधक की, यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, 996, और ये भी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स, और चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, और इसके अंदर आपके बीकॉम या फिर आप हो सकते हैं स्नातक, स्नातक मतलब जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो सकते हैं आप। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पे सहायक निवेश प्रबंधक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे है 20,500 रुपये, और यदि एज की बात करें वही आपके 35 एज यहाँ पे है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और फोर्थ नंबर पे जो वैकेंसी है वो दे रखी है व्यवसाय प्रतिनिधि की। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 1,036, और ये बात सेम है किसी भी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, और भारत के किसी भी हिस्से में आपको ये दिया जा सकता है। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है हाई स्कूल या राज्य स्तरीय समकक्ष परीक्षा, मतलब क्या है, यदि आपने 10th पास कर रखी है तो भी आपके लिए बेहद अच्छा मौका यहाँ पे है। और ये जो सैलरी यहाँ पे दे रखी है 16,680 रुपये है, और संस्थान द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्यता के क्रम में, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वही यहाँ पे चलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है नोट में नीचे, हम इनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये मेंशन यहाँ पे क्या कर रखा है। पहले पॉइंट में दे रखा है कि संस्थान उक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु अल्पकालिक आवेदन आमंत्रित करती है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी संस्थान की ईमेल आईडी ये दे रखी है यहाँ पे, ईमेल आईडी cagdi.india@gmail.com पर अपना बायोडाटा सीधे प्रस्तुत करें। उसके बाद में दे रखी है नियुक्ति प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। बायोडाटा फोटो युक्त आवेदन 25 जून 2020 तक स्वीकार यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पे है 25 जून। और इंटरव्यू के लिए जो जगह है, दिनांक है, वो शीघ्र ही संस्थान की वेबसाइट, जो वेबसाइट दे रखी www.cagdi.in पर प्रदर्शित की जाएगी। अतः आवेदक समय समय पर संस्थान की वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, संस्थान समस्त परिवर्तन और संशोधनों आदि अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखता है। अब कुछ हमारे दोस्त के मन में ये कन्फ्यूजन जरूर होगा कि वो पूछेंगे कि सर ये रेगुलर पोस्ट हैं, कैजुअल हैं, किस प्रकार की हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अल्पकालिक लिखी हुई हैं। और अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, यानी कि रेगुलर पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आपको इनको समझना होगा। उसके बाद में दूसरी बात हमारे मन में ये आ जाएगी कि इसके बाद हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से पे स्केल की बात तो नहीं की गई है, तो ये कहना बेहद मुश्किल है कि ये पोस्ट रेगुलर बाद में हो जाएंगी। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर उपक्रम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर यदि आपको कार्य करने का मौका मिलता है, पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट कई सालों तक चलता रहे, और कई प्रोजेक्ट तो ऐसे भी हैं जो 10 साल से लेकर 30 सालों तक चलते रहते हैं, तो भी आपका काम यहाँ पे चलता रहेगा। और इससे आगे फर्दर बात ये है कि जब भी आपको रेगुलर होने का या दूसरी पोस्ट पर जाने का मौका मिलता है तो आप जा सकते हैं, इसको पोस्ट को छोड़ सकते हैं। और चौथी बात यह है कि कुछ समय यानी कि एक साल या फिर उससे भी ज्यादा तब तक ये लॉकडाउन का असर रहता है, यानी कि जिस प्रकार से कोरोना का नेगेटिव असर तब तक रहता है तब तक ये जॉब अच्छी है। हम कुछ समय के लिए इसमें जरूर जा सकते हैं, एटलीस्ट बेरोजगार से तो अच्छा है कि हमारे पास कुछ रोजगार हो। तो ये बेहद ज़्यादा जरूरी है कि हमारे हाथ में पैसे आते रहें। तो यदि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, यदि आप सिंपल ग्रेजुएशन हैं, यदि आप सिंपल 10वीं पास हैं, तो भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद ख़ास मौका ये है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से आज का कंटेंट रिलेटेड टू सेंट्रल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।